शुरुआत से पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं, दी ललन टॉप शो अब देखिए लाइव रोज रात 8 बजे यूट्यूब से भी पहले। डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप पर, एंड्रॉयड और एप्पल दोनों डिवाइसेस पर अवेलेबल है, मुफ्त है। अब आते हैं तारीख पर, बात 1940 की है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, हिटलर की नाजी सेना ने यूरोप के कई देशों में कहर बरपाना शुरू कर दिया था। इसका पहला बड़ा शिकार था फ्रांस। जर्मनी ने फ्रांस पर 10 मई 1940 को हमला किया। लड़ाई करीब 6 हफ्ते चली और आखिरकार फ्रांस ने 14 जून 1940 को बिना एक भी गोली चलाए हिटलर के आगे घुटने टेक दिए। फ्रांस को एक नया राष्ट्रपति मिला, 84 साल का मार्शल पीतान पटेन, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, हमें माफ़ी दीजिएगा, व्यक्ति तक पहुँची अब शक्ल से चेहरे से। उसने 22 जून 1940 को हिटलर के साथ युद्ध विराम को लेकर एक समझौते पर साइन किए। अब पेरिस जैसा एक हसीन शहर हिटलर के सैनिकों से भरा रहता। जर्मनी की दो दो खुफिया एजेंसियां अवेहर और गेस्टापो लोगों की पहरेदारी करने लगी। आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया और पेरिस का एक मुस्लिम परिवार जो कुछ साल पहले ही लंदन से यहाँ आकर बसा था, इन सबसे अछूता नहीं रह पाया। सूफी विचारधारा पर चलने वाले इस परिवार में एक महिला और उसके 4 बच्चे थे। घर के मुखिया की मौत हो चुकी थी। पेरिस में नाजियों के अत्याचार को देखकर इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी नूर या इनायत खान को गहरा सदमा लगा। उसने कुछ ही रोज में यह फैसला ले लिया कि नतीजा चाहे जो भी हो, वो हिटलर के फासीवाद के खिलाफ लड़ेगी। ये लड़की काफ़ी पहले ही अपने पिता की सूफी शिक्षा को आगे बढ़ाने के बारे में मन बना चुकी थी, लेकिन टीपू सुल्तान की वंशज थी तो खुद को नाजियों के खिलाफ खड़े होने से रोक न सकी। किसी तरह परिवार को साथ लेकर ब्रिटेन के कार्निवल शहर पहुंची और फिर यहां से वो लंदन गई। जब उसने लंदन का हाल देखा तो उसका इरादा और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। लंदन अब वो लंदन नहीं रह गया था जिसे कभी वो छोड़ के गई थी। लंदन का कोना कोना जल रहा था और देश टूटने की कगार पर था। 7 सितंबर 1940 से हर रात लंदन पर हिटलर के फाइटर प्लेन बमबारी करते। लगातार 76 रातों तक ये बमबारी हुई और ऐसा लगता मानो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन लंदन के लोगों का स्थायी घर बन गए हों, क्योंकि वहीं पनाह लेने के लिए जगह थी। नूर इनायत खान जब लंदन पहुंची तो वहां ब्रिटिश आर्मी के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और इन पर लिखा था कि आर्मी को लोगों की सख्त ज़रूरत है। नूर ने ब्रिटिश सेना में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन आर्मी से जो जवाब आया वो उन्हें बड़ा झटका देने वाला था। झटका क्यों, अब ये बताते हैं। नूर इनायत खान के पिता का नाम इनायत खान था, जो न केवल एक भारतीय थे बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले टीपू सुल्तान के पड़पोते थे। नूर भी मॉस्को में पैदा हुई थी और फ्रेंच नागरिक थी, कुछ रोज़ पहले ही फ्रांस से वापस आई थी। ऐसे में ब्रिटिश आर्मी उनका सिलेक्शन करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए पहली बार में ही उनकी एप्लीकेशन को कर दिया गया रद्द। लेकिन फिर नूर इनायत खान ने कैसे ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की, और वो भी एक सबसे भरोसेमंद जासूस के तौर पर, कैसे नाथियों को नाको चने चबवाने को मजबूर करने के बाद अपनों के धोखे के चलते वो पकड़ी गई। साथ ही आज के एपिसोड में ये भी जानेंगे कि बतौर जासूस नूर इनायत खान ने ऐसा क्या किया था कि ब्रिटेन उन्हें आज भी बेहद सम्मान के साथ याद करता है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। Brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. आज हम बात करेंगे भारतीय मूल की जाबाज महिला नूर इनायत खान की। शुरुआत से पहले काम की जानकारी दे दें आपको, इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको एक किताब का नाम बताते हैं, द 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर। इस नाम की ये ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर। साथ ही कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप पहले 500 लकी लोगों में शामिल होते हैं तो 50% की छूट ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको LT50 नाम का एक छोटा सा कोड डालना है। अब आते हैं मुद्दे पर। ब्रिटिश आर्मी से रिजेक्शन के बाद भी नूर इनायत खान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आर्मी को पत्र लिखा और कहा कि उनकी माँ एक ब्रिटिश नागरिक हैं और वो खुद ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रोटेक्टिव पासपोर्ट लेकर रह रही हैं, इसलिए वो भी एक ब्रिटिश हुई। इसके बाद आर्मी अफसरों के तेवर कुछ नरम हुए, उन्होंने नूर को इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा गया कि वो महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचती हैं। उन्होंने सीधे कहा कि महात्मा गांधी भारत में जो कर रहे हैं उससे वो बेहद प्रभावित हैं। ये जवाब देने पर ब्रिटिश अफसर दूसरा सवाल क्या पूछेंगे ये नूर अच्छे से जानती थी। द स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान की राइटर श्रावणी बसु बताती हैं, आर्मी अफसरों ने उनसे सवाल किया कि क्या वो भारत के उन नेताओं को सपोर्ट करेंगी जो वहाँ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। नूर इनायत खान ने फट से जवाब दिया कि इस समय फासीवाद के खिलाफ युद्ध चल रहा है और मेरा कर्तव्य है ब्रिटेन को सपोर्ट करना, लेकिन ये युद्ध खत्म होने के बाद मैं भारत में आज़ादी की जंग को अपना समर्थन दूंगी। ब्रिटिश अफसर उनकी हाजिर जवाबी से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उनके नाम पर मुहर लगा दी।
नवंबर 1940 में उन्हें ब्रिटिश एयरफोर्स में सेकंड क्लास अफसर के तौर पर नियुक्त किया गया, जहां उन्हें वायरलेस ऑपरेटर यानी रेडियो ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी गई। आर्मी में नूर को नया नाम मिला, नूरा बेकर। इसके बाद उन्होंने आर्मी में SOE यानी स्पेशल ऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। SOE ब्रिटिश आर्मी की खुफिया और ख़ास ब्रांच थी, जिसे जुलाई 1940 में बनाया गया था। इसका मकसद ये था कि जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जर्मनी के अधीन आए देशों में अपनी आर्मी भेजें, तो वहाँ पहले से मौजूद SOE के खुफिया एजेंट उनका काम आसान करें। यानी SOE में जिनका सिलेक्शन होता उन्हें सीधे जर्मनी के द्वारा कब्जाए गए देशों में भेज दिया जाता, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिहाइंड एनिमी लाइंस। SOE के अंडर कवर एजेंट्स को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। उनसे साफ कहा जाता था कि अगर दुश्मन पकड़ ले तो भूल जाओ कि आप कौन हो, कहां से आओ। यानी दुश्मन के हाथ आने के बाद बद से बदतर हालत होनी तय है और हम भी आपको अपनाएंगे नहीं। नूर इनायत खान 1.5 साल से ब्रिटिश आर्मी में जो काम कर रही थी वो उन्हें बेहद उबाऊ लग रहा था। टीपू सुल्तान की ये वंशज जिस काम के लिए आर्मी में भर्ती हुई थी वैसा कुछ भी अब तक करने को उनको मिला नहीं था। ऐसे में जब SOE में जाने का मौका मिला तो उन्होंने तुरंत हाँ की। SOE की ट्रेनिंग में उन्हें सबसे पहले कोडेड मैसेज भेजना और रिसीव करना सिखाया गया। एजेंट्स का सबसे बड़ा काम ही यही होता है कि उन्हें दूसरे मुल्क से खास तरह के रेडियो सिस्टम से या दूसरे किसी सिस्टम से अपने देश को संदेश भेजना होता है। हर कोड को डिकोड करने के लिए एक की और पासवर्ड होता था जो एजेंट्स को ही पता रहता था। कमोबेश इसी तरह से आज भी काम होता है। इसके बाद SOE की ट्रेनिंग में हथियार चलाना और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग भी शामिल थी। किसी भी हाल में दुश्मन के सामने मुंह न खोलने के लिए भी एजेंट्स को तैयार किया जाता था, यानी नकली इंटरोगेशन होते थे। नूर को इस सब में काफ़ी परेशानी आई क्योंकि उनके पिता एक सूफी संत थे। किसी पर गोली चलाना तो दूर, उन्होंने अपने बच्चों को कभी झूठ न बोलने की शिक्षा भी दी थी। ट्रेनिंग के दौरान ब्रिटिश अफसरों ने कहा कि नूर अंडरकवर एजेंट बनने के लायक नहीं है क्योंकि वो गोली नहीं चला पाएंगी, और अगर कभी जर्मन एजेंसी गेस्टापो के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया तो ये लड़की सब कुछ उगल देगी। लेकिन इस सब के बाद भी नूर इनायत खान को SOE के अंडरकवर एजेंट के तौर पर सिलेक्ट किया गया। इसकी वजह था उनका बढ़िया फ्रेंच बोलना, पेरिस के चप्पे चप्पे से वाकिफ होना, साथ ही उनके बेहद खूबसूरत चेहरे की मासूमियत भी एक वजह थी जिसके चलते कोई उन्हें खुफिया एजेंट नहीं कह सकता था। पेरिस भेजने के लिए उनका चयन किया गया, जहां गेस्टापो के अधिकारियों ने अपना खौफ बना के रखा हुआ था। नूर को अब खुफिया नाम मेडलिन दिया गया। उन्हें जून 1943 में पेरिस में भेजा गया एक नर्स बना के, जहां उन्होंने दो भाई बहन गैरी और रैनी के घर में रहना था। ये दोनों भाई बहन फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ शुरू हुए आम लोगों के आंदोलन का हिस्सा थे, जो फ्रेंच रेजिस्टेंस थी उसका। आंदोलन के लोग ब्रिटिश खुफिया एजेंट्स की मदद किया करते थे, ठीक वैसे ही जैसे गैरी और रैनी कर रहे थे। पेरिस में ब्रिटेन के जासूसों के कई ग्रुप्स थे। नूर इनायत खान पेरिस पहुंची ही थी कि नूर को वायरलेस पर लंदन से मैसेज आया कि तुरंत वापस आ जाएं, क्योंकि वायरलेस तकनीक के जरिए खुफिया मैसेज भेजने वाले सभी ब्रिटिश एजेंट्स पेरिस में पकड़ लिए गए हैं, और गेस्टापो को खबर लग गई है कि मेडलिन नाम की एक एजेंट भी पेरिस में भेजी गई है। हालांकि नूर ने वापस जाने से इनकार कर दिया क्योंकि अब वही पेरिस में एक ऐसी एजेंट बची थी जो मैसेज भेजने में और रिसीव करने में सक्षम थी। इसके बाद उन्होंने अपना भेष बदला, बाल कलर करवाया, और जून से लेकर अक्टूबर 1943 तक पेरिस से लगातार लंदन खुफिया जानकारियां भेजती रहीं। ये बेहद खतरनाक काम था, कुछ लोग पकड़े भी गए थे। वायरलेस सेट पर अगर मैसेज भेजते समय 15 मिनट से ज़्यादा का समय हो जाता तो जर्मन पुलिस नूर को पकड़ सकती थी। इसके अलावा मैसेज भेजने के बाद वायरलेस सेट कुछ देर के लिए उस जगह से कहीं दूर ले जाना होता था। ये सब इसलिए करना पड़ता था क्योंकि पेरिस की सड़कों पर उस समय वायरलेस सेट डिटेक्ट करने वाली जर्मन वैन्स घूमा करती थी। ये वैंस इतनी तेजी से वायरलेस मैसेजेस को ट्रैक करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश एजेंट्स 2 महीने के आसपास काम कर पाते थे, फिर पकड़ लिए जाते थे, क्योंकि इतने समय के अंदर उसे जर्मन वैंस खोज ही लेती थी वो जहाँ भी छुपा हो। इसलिए वायरलेस से मैसेज भेजने के काम पर ब्रिटिश पुरुष एजेंट्स ज़्यादा रखे जाते थे, जिससे पकड़े जाने पर वो अपना मुंह ना खोलें। ऐसा उनको लगता था कि पुरुष ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन यहाँ यही काम एक भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान बेहतर ढंग से कर रही थी। जर्मन्स को उन्होंने अपना कोई सुराग भी नहीं लगने दिया, और पेरिस में करीब 5 महीने उन्होंने बिता दिए। इस दौरान वो उस फैमिली का भी लगभग एक हिस्सा बन गई थी जहाँ वो रहती थी। गैरी और उसकी बहन रैनी से उनकी काफ़ी अच्छी पटरी खाने लगी थी, मिलनसार थी, तो जो भी ब्रिटिश एजेंट्स पेरिस में थे उनसे भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बताते हैं कि इस दौरान एक ब्रिटिश एजेंट फ्रांस एंटेम से नूर की काफ़ी करीबी हो गई थी। जासूसी के बाद बचा समय दोनों साथ ही बिताते थे। फ्रांस एंटेम जब पेरिस आया था तब उसने काफ़ी समय गैरी और रैनी के साथ भी बिताया था, और इस दौरान रैनी को उससे प्रेम हो गया था, इसलिए अब उसे नूर इनायत खान और फ्रांस एंटेम की दोस्ती बेहद अखरती थी।
नूर से ईर्ष्या के चलते रैनी ने अक्टूबर 1943 में एक दिन उसकी खबर जर्मन अधिकारियों को दे दी। नूर को घर से पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने आसानी से सरेंडर नहीं किया। वो लड़ी और 6 हट्टे कट्टे पुलिस अधिकारियों ने मिलकर उन्हें किसी तरह काबू किया। भागने की भी कोशिश की नूर ने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। श्रावणी बासु लिखती हैं कि जर्मन एजेंट्स ने ब्रितानी ऑपरेशन के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए नूर को बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन वो नूर का असली नाम तक नहीं पता कर पाए। उन्हें यह कभी नहीं पता लगा कि वो भारतीय मूल की थी। कैदी के रूप में एक साल गुजारने के बाद उन्हें दक्षिणी जर्मनी के एक यातना शिविर में भेज दिया गया। वहां उन्हें नए सिरे से प्रताड़ित किया गया। नाज़ियों ने उन्हें आज के दिन यानी कि 13 सितंबर 1944 को 3 अन्य महिला जासूसों के साथ गोली मार दी थी। बताते हैं कि जब उन्हें गोली मारी गई तो उस समय उनके मुंह से निकला लिब्रेते। लिब्रेते एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आज़ादी। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।